Good morning, students. How are you? I hope you are doing fine and taking care of yourselves. बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया. हम फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ रहे थे. ठीक है, फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे हम. फोर्थ चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? फोर्थ चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर पढ़ा था एयर. एयर क्या है मैंने आपको बताया था बच्चों. एटमॉस्फेयर क्या है वो मैंने बताया था आपको. एंड आई हैड टोल्ड कि हमारा एटमॉस्फेयर किस तरह से बना हुआ है. एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें आपने क्या जाना. एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है और सबसे कम कौन सी गैस है हमारे यहाँ, ये आपको कमेंट करके बताना है. बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उसी एटमॉस्फेयर को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले बच्चों एटमॉस्फेयर पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कोई एक लेयर पे नहीं है. ठीक है, ऐसा तो नहीं खाली एक एटमॉस्फेयर है, नहीं आप अर्थ के ऊपर सरफेस पे जाएंगे तो उस खाली आपको एक ही एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं बच्चों. ऐसा है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, उसकी कई लेयर बनती है, कई सतह बनती है. यानी कि जब ये अर्थ है तो यहाँ से ऐसा है कि इसके इसके सरफेस पे यहाँ पे हवा है, एक एटमॉस्फेयर. ठीक है, इससे ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, ऐसे उठते हुए चले जाएंगे बच्चों. तो एटमॉस्फेयर कई लेयर में बटा हुआ है. ठीक है ना, कई लेयर में बटा हुआ है बच्चों. उसी लेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. तो बच्चों उस एटमॉस्फेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हम पढ़ेंगे आज. लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब बच्चों तमाम तरह के लेयर हैं एटमॉस्फेयर के. आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर पे मेनली फाइव तरह की लेयर है. कितने तरह के बच्चों? फाइव लेयर्स हैं बच्चों. वो फाइव लेयर कौन कौन से हैं जिनको हम स्फीयर बोलते हैं एक्चुअली. ठीक है, एंड दीज आर, सबसे पहले बच्चों जो आपका सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फीयर. क्या होता है बच्चों? ट्रोपोस्फीयर. मैं इसको बच्चों ऊपर नीचे से ऊपर की ओर बता रहा हूँ. सबसे नीचे कौन सा पड़ेगा? ठीक है, उसके ऊपर कौन सा पड़ेगा बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर पड़ता है बच्चों. नंबर तीन पे बच्चों पड़ता है मेजोस्फीयर. कौन सा बच्चों? मेजोस्फीयर. बच्चों फोर्थ पे आपको पड़ेगा थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर. तो बच्चों लास्ट में आपका जो पड़ता है, सबसे ऊपर जो पड़ता है उसे बोलते हैं बच्चों एक्सोस्फीयर. एक्सोस्फीयर. ठीक है, ये बच्चों नीचे से ऊपर की ओर है. ये वाला सबसे नीचे, उसके ऊपर ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड देन एक्सोस्फीयर. इस तरह से लेयर बटी हुई है बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में. एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनती हुई चली जाती है. अगर लेयर का काम क्या है, इन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, चीज़ों को जानेंगे. उससे पहले कुछ हम और चीज़ें जान लेते हैं बच्चों. हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर है बच्चों, इसको एक और नाम से जानते हैं, ओजोन स्फीयर. ठीक है, ओजोन स्फीयर बोलते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा. जबकि थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? आयनोस्फीयर. ये बातें भी आप याद रखिएगा. क्यों है ऐसा, क्यों बोलते हैं, ये बातें मैं अभी आपको समझाऊंगा. बट आप नाम जरूर याद कर लीजिए कि ओजोन स्फीयर के नाम से और कौन सा स्फीयर जाना जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर. आयनोस्फीयर के नाम से कौन सा स्फीयर जाना जाता है? थर्मोस्फीयर. इतनी बातें आपको याद रखनी है, आपको पता होनी चाहिए. चलिए बच्चों अब एक एक करके हम पढ़ेंगे इन पांचों लेयर के बारे में. ठीक है, इन फाइव लेयर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे आज. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ट्रोपोस्फीयर की. सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रोपोस्फीयर की. बच्चों ट्रोपोस्फीयर जो होता है वो हमारे अर्थ का सबसे निचला लेयर होता है. यानी कि हमारे अर्थ से बहुत सबसे कम दूरी पर जो ऊपर स्थित है वो ट्रोपोस्फीयर है. बच्चों ट्रोपोस्फीयर की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है हमारे अर्थ के सरफेस से. कितना है बच्चों? 8 किलोमीटर. ये 8 किलोमीटर इसकी बच्चों दूरी है हमारे अर्थ के सरफेस से. जो आपका ट्रोपोस्फीयर पड़ता है अर्थ के सरफेस से लेकर ट्रोपोस्फीयर, ये जो अर्थ के स्पेस से लेकर 8 किलोमीटर तक, अर्थ के स्पेस से 8 किलोमीटर तक का जो एरिया है, रेंज है, वो ट्रोपोस्फीयर कहलाता है बच्चों. सॉरी स्टूडेंट्स. सो बच्चों जो आपको बता दिया मैंने कि आपका जो ट्रोपोस्फीयर है बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलती क्या हुई, यहाँ पे 8 ना होगी 13 किलोमीटर रह गई. कितना?
13 किलोमीटर ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर जो होता है अर्थ से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ट्रोपोस्फीयर लगता है। बच्चों ट्रोपोस्फीयर के बारे में पढ़ ही रहे हम लोग, तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी आप जान लीजिए। ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले ये होता है कि 18 किलोमीटर तक डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों? 13 किलोमीटर ठीक है, ये डिस्टेंस है। दूसरी बात बच्चों और क्या होता है, अब आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों कि जब आप पढ़ रहे हैं स्पेयर्स तो आप जो हवा लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं ना, या फिर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीज़ें हैं जो ब्रेथ के लिए यूज की जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो हमारे ट्रोपोस्फीयर पे ही पाई जाती हैं ठीक है। सो जो एयर होती है एयर दैट वी ब्रेथ इन ठीक है, एयर दैट वी ब्रेथ इन फाउंड हेयर जो हम सांस लेते हैं वो हवा कहाँ पाई जाती है? यही पाई जाती है। समझ गए बच्चों? बच्चों उसके आगे इम्पोर्टेंट क्या है, आप जो भी बारिश है बादल देखते हैं ना बादल, उसके अलावा जो फॉग बनता है फॉग ठीक है कोहरा वगैरह, उसके अलावा जो ओले पड़ते हैं जितना भी प्रेसिपिटेशन का काम होता है ना, जो आप देखते हैं घना कोहरा हो ओले पड़ रहे हो बारिश की बूंदे हो बादल हो, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? ये ट्रोपोस्फीयर पे होती हैं। बच्चों कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फीयर पे होती है क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स ठीक है फॉग एंड प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है बच्चों? ट्रोपोस्फीयर पे ही होता है। इतनी बातें आप समझ चुके होंगे, रेनफॉल फॉग हेलस्टॉर्म्स सारी चीज़ें ही बच्चों कहाँ पे होती हैं? यहीं पे होती हैं ठीक है। इतनी बातें आप समझ चुके हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में, क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर। बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए स्ट्रेटोस्फीयर बच्चों ये जो है ना ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पड़ती है, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर। अब ट्रोपोस्फीयर से आप ऊपर उठेंगे बच्चों तो ट्रोपोस्फीयर से अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर आप जाएंगे, 50 किलोमीटर ठीक है। ये कहां पर जाएगा? 50 किलोमीटर जाएगा ठीक है। इसके डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? अप टू 50 किलोमीटर, ऊपर 50 किलोमीटर तक डिस्टेंस, अप टू 50 किलोमीटर याद रखिएगा। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे और क्या फिनोमेना होता है? यहाँ पे बच्चों एक लेयर पाई जाती है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन गैस। यहाँ पे क्या पाई जाती है बच्चों? ओजोन गैस पाई जाती है यहाँ पे ठीक है, ओजोन गैस फाउंड हेयर। तो आपको पता है ओजोन गैस कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या करती है ओजोन गैस? जो सन का रेडिएशन होता है हार्मफुल रेडिएशन सन के लाइट में पाया जाता है, यानी उतना खतरनाक होता है कि अगर ओजोन लेयर उसको ना रोके तो वो हमको जला सकता है ठीक है, हमको जिंदा जला देगा ऐसे, बहुत खतरनाक होता है। बट ओजोन लेयर क्या करती है? उसके जो तरंगे होती है जो उसका खतरनाक रेडिएशन होता है उसको रोक देती है बच्चों, वहीं पे रोक देती है। उसके बाद जो नीचे हम लोग को सनलाइट पहुंचती है वो खतरनाक नहीं होती, तो ओजोन लेयर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो। स्ट्रेटोस्फीयर पे ही वो रेज आके रुक जाती है, उसके बाद जो रेज हम तक पहुंचती है वो हार्मफुल नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटोस्फीयर इसलिए हमारे यहाँ बन जाता है क्योंकि ये वही काम करता है जो हमको खतरनाक सन की जो किरणें हैं रेज है उनसे बचाता है ठीक है। बच्चों उसके अलावा क्या होता है? यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं पाया जाता क्योंकि आपने पढ़ा ट्रोपोस्फीयर में है, तो यहाँ कोई बादल नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं है, स्टॉर्म नहीं है, फॉग नहीं है। तो ऐसे में जो एरोप्लेन्स होते हैं वो यहीं उड़ते हैं ठीक है। एयरप्लेन्स कहाँ उड़ते हैं बच्चों? एयरप्लेन्स जो होते हैं एयरप्लेन्स फ्लाई हेयर बच्चों हवाई जहाज जहाँ उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कोहरा नहीं है बादल नहीं है तो यहाँ पे सेफ रहता है उड़ना ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे उड़ते हैं ठीक है ना। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, ये स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में है ठीक है। अगला चलिए पढ़ते हैं मेजोस्फीयर के बारे में। मेजोस्फीयर बच्चों थर्ड है आपका मेजोस्फीयर। ये बच्चों थर्ड लेयर होती है ठीक है स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर। इसकी हाइट क्या होती है बच्चों?
इसकी जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर होती है डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस की हाइट आपकी आई है, डिस्टेंस जो होगी अप टू 80 किलोमीटर, अप टू 80 किलोमीटर। आप ऊपर जाएंगे 80 किलोमीटर तो आपको मेजोस्फीयर मिल जाएगा, आप अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको मेजोस्फीयर मिलेगा। बच्चों मेजोस्फीयर में क्या होता है, मेजोस्फीयर बच्चों हमारे लिए कुछ खास काम नहीं, बस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो मेटराइड्स होता है, आपने मेटराइड्स पढ़े हैं ना, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था मेटराइड और एस्ट्रोराइड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो मेटराइड्स क्या होते हैं, एक बच्चों सेलेस्टियल बॉडी है जो कि आपके यूनिवर्स में या आपके कह लीजिए गैलेक्सी में लगातार घूम रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा सन के अराउंड, रॉक जैसा पत्थर जैसे होते हैं, बड़े विशाल बड़े होते हैं, तो ये अर्थ पे गिर सकते हैं, और अर्थ पे अगर गिरेंगे तो अर्थ पे बहुत खतरनाक डिस्ट्रक्शन कर देंगे ये, ठीक है। अगर अर्थ से सरफेस पे गिरेंगे तो कई लोग मर सकते हैं या कोई बहुत सारी चीज़ें नुकसान पहुंच सकती हैं। तो मेट्रोइड्स जो गिरता है बच्चों वो कहाँ पे आके गिरता है, मेजोस्फीयर पे, और मेजोस्फीयर पे ही ये जो है बच्चों अर्थ पे आने से इसको बचा लेता है, ठीक है, जल जाता है वहीं पे मेजोस्फीयर में, ठीक है। ये मेट्रोइड्स क्या होता है बच्चों, जल जाता है वहीं पे आके, इसलिए अर्थ पे नहीं पहुंच पाता। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट सेव्स अस फ्रॉम मेटोराइड्स, मेटोराइड्स कैसे, यहीं पे आके क्या होता है बच्चों, ये मेटोराइड्स जल जाता है, ठीक है, जल जाता है बाई बर्निंग इट, बाई बर्निंग इट, इसको लिख लीजिएगा बच्चों, इसको जलाकर हमको बचाता है इससे, ठीक है। चलिए अगला पढ़ेंगे बच्चों थर्मोस्फीयर, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, थर्मोस्फीयर पढ़ेंगे बच्चों, थर्ड है, फोर्थ है हमारा थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है थर्मो यानी थर्म मतलब गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। तो चूंकि आप फोर्थ लेयर में पहुंच चुके हैं, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हीट होती है, ठीक है, यहाँ बहुत ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, हीट होगा, और इसकी हाइट जो है बहुत, देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी, आप ट्रोपोस्फीयर पर थे गर्मी कम थी, स्ट्रेटोस्फीयर पर गए गर्मी और बढ़ेगी, मेजोस्फीयर पर जाएंगे गर्मी और बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बच्चों टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा आपका, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आप थर्मोस्फीयर पर जाएंगे तो बहुत गर्मी मिलेगी, बहुत एक्सट्रीम हीट मिलेगी वहाँ पे, और इसलिए इसका नाम भी है थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर पर क्या होता है बच्चों, थर्मोस्फीयर को हम लोग आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है, आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, पहले तो आप ये जान लीजिए डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस कितनी होगी इसको, ठीक है बच्चों, तो इसकी डिस्टेंस होगी बच्चों 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर, आप समझ लीजिए 80 से 400 किलोमीटर तक ये आपका एग्जैक्ट करता है, ठीक है बच्चों। ऐसे में बच्चों ये क्या होता है, ये हमको जो आपका स्पेस से बच्चों क्या होती है, रेडियो वेव्स जो आती है ना, जो रेडियो वेव्स जो रेडिएशन आती है, रेडियो वेव वाली बहुत ही डेंजरस रेडिएशन होती है, रेडियो वेव जो हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये आके थर्मोस्फीयर पे बच्चों क्या होती है, यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी ना रेडियो वेव्स जो होती है ना, ठीक है बच्चों, ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे रेडियो वेव्स ठीक है, गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हेयर एंड सेव द अर्थ एंड इट सेव द अर्थ। बच्चों क्या होता है, जो रेडियो वेव्स होती हैं बहुत डेंजरस तरंगे होती हैं, रेडियो वेव्स जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ये क्या होंगी बच्चों, यही थर्मोस्फीयर में पड़ेंगी, यहीं से वापस लौट जाती है, नीचे नहीं आ पाते इसके, इसी वजह से हम बच जाते हैं रेडियो वेव्स से, ठीक है। तो चौथी चीज़ क्या, तीसरी चीज़, यहाँ पे आयंस बहुत पाया जाता है, ठीक है बच्चों, इसकी वजह से इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, तो ये आप नोट करिए, ना नोट करिए, इसको आयन नहीं बोलते हैं, तो आयनोस्फीयर की वजह से इसको नाम भी है इसका, आप इसको लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फीयर, इट्स ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फीयर, इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, आयनोस्फीयर भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए लास्ट में पढ़ते हैं, लास्ट में क्या है बच्चों, ठीक है, लास्ट में हमारा एग्जोस्फीयर है लास्ट वाला, बच्चों लास्ट है हमारा एग्जोस्फीयर बच्चों, ये सबसे लास्ट है। अब ये बच्चों जो इसकी डिस्टेंस होती है ना, इसकी डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बस निकल गया, एग्जो मतलब था एग्जिट, यानी आप जितना ऊपर जाओगे सबसे लास्ट की जो लेयर है, ठीक है, इसके बाद फिर आपको गैलेक्सीज में अलग
सेलेस्टियल बॉडीज मिलना शुरू हो जाएंगे, आप स्पेस से पहुंच जाएंगे उसके बाद, ठीक है। आप अर्थ से बिल्कुल निकल चुके होंगे, आप जब आप एग्जोस से पहुंचेंगे तो आप अर्थ के स्पेस से बाहर हो चुके हैं लास्ट, ठीक है। ये लास्ट है बच्चों, लास्ट लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ, लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। आप स्पेस से आप अर्थ के लिए अर्थ से बाहर हो चुके होंगे, ठीक है। आप अर्थ की रेंज से बाहर हो चुके होंगे जब आप इस एग्जोस पे पहुंच जाएंगे, ये हमारी लास्ट स्पेयर है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बहुत पतली पतली हवाएं पाई गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि हीलियम या हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिखिएगा बच्चों, हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म हियर, हीलियम एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आर फाउंड फाउंड हियर। यहाँ पे क्या मिलती है बच्चों को, बहुत ही लाइट गैस, हीलियम और हाइड्रोजन बहुत ही लाइट लाइट गैसेस होती हैं, तो यहीं पर इनको पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ये क्या करते हैं बच्चे, ये जो गैसेस है ना, ये स्पेस से और एक्सोस्फीयर तक फ्लोट करती रहती हैं आपस में, ये दोनों जो गैसेस है ना। तो यहाँ से स्पेस की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे ये दोनों गैसेस हमेशा तैरती रहती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्या थे, पाँच लेयर थे जो आपने समझ लिए एटमोसफेयर के, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपके समझ में आया होगा कि भाई एक्सोस्फीयर क्या है बच्चों। इसके बाद आता है टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेदर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस पॉइंट को। अब अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है बच्चों को, समझ में नहीं आया इस लेयर्स में, तो आप मुझे कल डाउट क्लास ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई। आई होप कि आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी फिलहाल, बट फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो कल क्लास में हम जब क्लास लेंगे डाउट क्लास तो आपको समझा देंगे। हर एक पॉइंट आप अच्छे से कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, जो बातें मैंने समझाई हैं, जो बताई हैं, ये जो लिखवाई हैं, वो हर चीज़ आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके नोट्स के लिए, आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी, ठीक है, जो सबसे ज़रूरी है। तो ऐसे में आप इसको नोट करिए और इसको याद रखिए और इसको जानिए, प्रैक्टिकल कीजिए बच्चों, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं जैसे कि डू यू नो या फिर लेट्स डो में, उनको आप ज़रूर करा करिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है डू यू नो में कि वेन हेयर इज हीटेड, जब हवा को गर्म किया जाता है तो वो जो गर्म हवा होती है बच्चों वो क्या होती है, वो हल्की हो जाती है। ठंडी हवा के मुकाबले गर्म हवा जो होती है बच्चों हल्की होती है, इसलिए जब हवा को गर्म करते हैं तो क्या हवा भाप बन के ऊपर निकल जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा बच्चों एक बहुत यहाँ पे बात दिया गया है, लेट्स डू, चलो करते हैं, क्या करना है बच्चों, ठीक है। आपको फॉर 10 डेज नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकॉर्डिंग इन द वेदर, एक न्यूज़पेपर लीजिए और देखिए 10 डेज आपको क्या करना है, रोज नोट करना है वेदर को कि आज टेम्परेचर कितना है, कल टेम्परेचर कितना था, आज बारिश हो रही है, कल धूप है। इससे आपको ये मालूम चलेगा कि किस तरह से वेदर क्लाइमेट चेंज होता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट और टेम्परेचर और वेदर के बारे में ही बात करेंगे, बट आप ये काम करेंगे। उसके अलावा डू यू नो में दिया गया है बच्चों, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, ध्यान सुनिएगा, जानकर हैरानी होगी कि जो बच्चों अर्थ हमारा वो कितना पार्ट एनर्जी का रिसीव करता है, अर्थ की जो सन की जो एनर्जी है, ठीक है, सन की एनर्जी का केवल कितना पार्ट रिसीव करता है बच्चों। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आप जान के हैरान हो जाएंगे बच्चों कि यहाँ पे 200 करोड़ जो पार्ट है वो रिसीव करता है। अगर पूरा पूरा पार्ट रिसीव कर ले तो पूरा अर्थ एक सेकंड में जल के राख हो जाए, इतना ज़्यादा पार्ट, 200 करोड़ जो पार्ट होता है वो रिसीव करता है अर्थ। तो ये हाल है बच्चों, इतनी गर्मी पड़ती है, अगर पूरा एक सही का पार्ट अगर सही से रिसीव कर ले अर्थ सन की रेस का, तो एक सेकंड में हम झुलस जाएंगे, पूरी अर्थ क्या होगी, पिघल जाएगी, टिघल जाएगी बच्चों, इतना खतरनाक है सन आपको, ठीक है। तो ये वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल द लेयर्स कि इन लोगों ने बचा के रखा हुआ है हमको, सन की जो रेज है ना, जो रेडिएशन है उनसे बचा के रखा हुआ है। सबका अपना अपना काम है, सब ने हमको बचा के रखा हुआ है, क्योंकि जो सन की एनर्जी है, सन की जो रेज है, हम तक पहुंचने से पहले इन लेयर से टकराती है, ये लेयर्स अपना काम करती रहती है, ठीक है। कोई कुछ बचाता है तो कोई कुछ बचाता है, साथ में सबसे अपना काम करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, जो क्या करता है बच्चों, बचा लेता है ओजोन लेयर, वहाँ पे वो बचा लेती है सन से रेडिएशन से, ठीक है। तो अच्छा ये था इम्पोर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपको जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, वेदर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज इट इन टुडेज़ वीडियो बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, देन प्लीज डू ज्वाइन टुमारोज डाउट क्लास एंड आई विल क्लियर एवरी सिंगल थिंग, ठीक है, दैट इज रनिंग थ्रू योर माइंड, थ्रू योर ब्रेन, ठीक है। सो ओके, दैट इज इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे हैड, थैंक यू सो मच।